आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल हल्दी की सब्जी। हल्दी की सब्जी बनाने के लिए आधा किलोग्राम हल्दी की गांठ, 250 जीएम मटर, 250 जीएम गोभी, हरी प्याज लेंगे। एक छोटा चम्मच खरबूज के बीज लेंगे। हल्दी की तासीर गर्म होती है, खरबूज के बीज डालने से इसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाएगी। इसमें पानी डालकर साइड में रख देंगे। हल्दी की गांठ को अच्छे से धोकर चम्मच की सहायता से इसे छील लेंगे। इसे हल्के हाथों से ही छीलना है। ऐसे ही सारे हल्दी छील लेंगे। यहाँ मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी छील लेना है। हल्दी और अदरक की गांठों को छील लिया है, अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। इसी तरीके से सारी गांठों को घिस लेना है। हल्दी घिसते वक्त ध्यान रखें कि गांठें छोटी होने पर कहीं हाथों में लगे नहीं। अदरक को भी घिसना है। हल्दी की सब्जी और गाजर का हलवा इन्हें खाने में तो अच्छा लगता है, पर इन्हें बनने में बहुत मेहनत लगती है। हल्दी को घिस लिया है, अब इसे साइड में रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हल्दी सेकने के लिए 300 ग्राम घी लेंगे। आधा किलोग्राम हल्दी के लिए कम से कम 300 ग्राम से ज्यादा घी चाहिए होगा। अब इसमें घिसा हुआ हल्दी डालकर सेकेंगे। इसे अच्छे से घी में मिला लेंगे। हल्दी का रंग गहरा हो जाए तब तक इसे सेकना है। घी में सेकने से हल्दी की कड़वाहट खत्म हो जाएगी और टेस्ट अच्छा आएगा। हल्दी सेक रही है, अब हम भीगे हुए खरबूजे के बीज को पीस लेते हैं।
खरबूजे के बीज का पेस्ट तैयार हो गया है। हल्दी को सेकते मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हल्दी सिक गई है। अब हल्दी को घी से निकालकर बचा हुआ घी छान लेंगे। अब हम मसाला तैयार कर लेते। यहाँ मैंने आधा किलोग्राम दही लिया है। इसमें 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर हींग डालकर अच्छे से मिक्स करना है। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई में बचा हुआ घी डाल देंगे। घी गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें धात्रिमा ब्रांड का 1 कप काजू डालकर फ्राई करेंगे। काजू सिक गए हैं, इसे निकाल लेंगे। अब किशमिश फ्राई करेंगे। अब इसमें कटी हुई फूलगोभी को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोभी फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेंगे। एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालें। एक कटी हुई हरी मिर्ची। एक तेज पत्ता। 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 काली मिर्च डालें। दो बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। लहसुन सिक गया है, अब इसमें दही का मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद लगातार चलाते रहना है, इसे दही फटेगा नहीं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला डालें। स्वादानुसार नमक डालें। अब इसमें मटर डाल दें। मटर सिकने तक अच्छे से पकाएं। मटर सिक गया है, इसमें धनिया पत्ती डाल दें। अब इसमें फ्राई की हुए गोभी डाल दें और फ्राई किए हुए काजू किशमिश भी डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स करें।
अब इसमें सिकी हुई हल्दी डाल दे और अच्छे से मसाले में मिक्स करे। आधा कप पानी डालकर पकने दे। इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो गई है, इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हरी प्याज डाल दे। इसे सब्जी में अच्छे से मिक्स कर दे। हल्दी की सब्जी तैयार है। इसे गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट दुगुना हो जाएगा। आधा किलोग्राम हल्दी की सब्जी बनाने के लिए 400 ग्राम से ज्यादा घी लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।